सी वैलेंसी, व टॉपिक इज वैलेंसी, सो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ऑफ एन एलिमेंट। ओके नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन रिलेटेड, सेकंड पॉइंट इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फॉर हाउ टू कैलकुलेट आइडेंटिफाई वैलेंसी, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलेंसी। सो आई वॉज टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी फॉर फर्स्ट कमा सेकंड कमा थर्टींथ एंड फोर्टींथ ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू कुनाल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर वैलेंसी, फॉर नेक्स्ट 15 आफ्टर 14 15 कमा 16 कमा 17 टाइम 18th ग्रुप एलिमेंट, फॉर दिस ग्रुप एलिमेंट वैलेंस इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया था अपना पूरा डिटेल में, हो गया था या नहीं? यस सर। प्लीज एक बार नोट कर लो, जो कुछ भी करना है एक बार नोट कर लो प्लीज। चलो और कंप्लीट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर, एग्जांपल बिजी लो। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन वैलेंसी, तो पहला आपको देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15th ग्रुप एलिमेंट, इट इज बिलोंग्स टू 15th ग्रुप एलिमेंट। ओके, तो फिर फार्मूला क्या आता है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो फिर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो क्या है, 7 है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, सो 7, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,5। देन फर्स्ट सेल सेकंड सेल, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल 5, so valence is equal to 8 minus 5, so therefore valence is equal to 3. Nitrogen
वैलेंस इज 3, राइट? ओके, ये टॉपिक पूरा हो गया था प्रीवियस क्लास में, हो गया था या नहीं? हाँ सर, हुआ था, हो गया था ना। नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट अब एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ट्रिक हाउ टू विद इन सेकंड, हाउ टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट बैलेंस विद इन सेकंड, विद इन सेकंड, नो नीड टू फार्मूला, जस्ट आपको याद रखना है, ट्रिक के लिए आपको याद रखना है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस पता है, या फिर 18th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप एलिमेंट, नोबल गैसेस या फिर 18 ग्रुप एलिमेंट, कौन से है, किसी को पता है तो प्लीज टेल मी। किसी को पता नहीं है 18 ग्रुप एलिमेंट किसे बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, नोबल गैसेस, 18 ग्रुप एलिमेंट, एक ही नाम है, टेल मी एनीबॉडी प्लीज, अगर आपको पता है तो प्लीज बताओ। The element whose octet and duplet is completed. The element which? Whose octet and duplets are completed. Okay, okay. Octet and duplet. Very, very good. But tell me example for this group element. Argon, xenon, krypton. All right, very good. Helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So its atomic number 2, its atomic number 10, its atomic number 18, its atomic number 36, its atomic number 54, its atomic number 86, and this is duplet. These elements follow octet, helium, duplet. Okay, okay, right. So एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, देखो यहां पे, each and every element, each and every element try to get noble gas और 18th ग्रुप एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर ये चीज ये वाला समझ में आया, नीचे जो मैंने लिखा हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मतलब ये जो एलिमेंट्स है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडन, these elements have stable electronic configuration because their outermost shell is completely fulfilled. क्यों stable है ये, इनका जो outermost shell जो है वो क्या है, completely full फील्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है, प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं अभी, मैं जो बोला वो समझ में आया अभी, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एलिमेंट्स कौन से है बोले तो नोबल गैस है, बिकॉज देर आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, दे फॉलो ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम फॉलो डुप्लेट बिकॉज इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये हो गई बात 18 ग्रुप एलिमेंट, तो जो अभी ये 18 छोड़ के जो भी अपने फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, 13th ग्रुप है, 14th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट और 17 ग्रुप एलिमेंट्स,
दीज ग्रुप एलिमेंट. सो दीज ग्रुप एलिमेंट समझ में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17. सो दीज ग्रुप एलिमेंट डू नॉट हैव follow octet rule means their outermost cell is outermost shell is incomplete. That's why these elements try to get stable electronic configuration by losing or gaining, losing or sharing. प्लीज एक बार आराम से सुनो बच्चों, समझ में आए ये बात जो मैंने बोर्ड पे अभी बताया, अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है? रिपीट करो, बोलो जल्दी बोलो. श्वेतन, श्रेया सुनो, एक बार रिपीट कर दे रहा है ये बात. जो 18 ग्रुप एलिमेंट है, नोबल गैसेस, उसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हो. सो दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है बोले तो, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फुलफिल्ड, दे फॉलो ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम फॉलो डुप्लेट. सो फिर बाकी के जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, 13th ग्रुप एलिमेंट्स, 14th ग्रुप एलिमेंट्स, 15th, 16th, 17th, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है 1 टू 17, बीच में का छोड़ दिया मैंने, 1 टू 13 टू 17. सो दीज ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल because their outermost shell is incomplete. That's why these elements, what element? First, second, 13, 14, 15, 16, 17, these group elements try to get noble gas electronic configuration, try to get stable electronic configuration. They behave like noble gas by getting stable electronic configuration. मतलब noble gas की तरह होने की कोशिश करते हैं, stable होने की properties में नहीं, stable होने की electronic configuration इनका जैसा stable है, इसी तरह ये stable होने की कोशिश करते हैं by losing, gaining, sharing. Okay? Right. तो अब इसके लिए trick क्या है मैं बता रहा हूँ. देखो अभी answer बताना पड़ता. देखो helium atomic number 2, neon atomic number 10, हाँ, argon atomic number 18. बताओ अब तुम्हारा ही काम है यहाँ पे. helium, neon, argon, krypton atomic number 36, हाँ, xenon atomic number और radon का atomic number बोलो 86. ओके, बस यही याद रखना है आपको. ट्रिक बता रहा हूं मैं, अभी ट्रिक स्टार्ट हो गया. दिस इज द ट्रिक. ट्रिक के लिए बस आपको ये जो कॉलम है, ये कॉलम याद रख लो, बस इतना ही कॉलम याद रखना है आपको बस. ओके, अब मैंने पूछा, क्वेश्चन ही लिखता हूं मैं, आपको क्लियर समझ में आता. व्हाट इज द
वैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर का सिंबल है एस। सो बता सकते हो आप ठीक है, सुनो प्लीज ऑल ऑफ यू रिक्वेस्ट, प्लीज सबको एक रिक्वेस्ट है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो प्लीज केयरफुली। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर? तो ट्रिक के लिए आपको किसकी वैलेंसी पूछा उसने, बताओ किसकी वैलेंसी पूछा, किसकी वैलेंसी पूछा, सल्फर की, सल्फर। हाँ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, ये तो याद रखना पड़ता 16 है। तो फिर इसको नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, राइट, वेरी गुड। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, राइट। अभी दोनों में डिफरेंस कितना है, राइट, डिफरेंस इज वैलेंसी, ओके। सो जितना डिफरेंस है 16 और 18 में, डिफरेंस जो है वही सल्फर की वैलेंसी, खत्म। सो सल्फर वैलेंसी कितना है, सल्फर की वैलेंसी कितना, 2। बस किसी भी एलिमेंट का ऐसा ही करो, आपको आ जाएंगे आंसर, राइट। कुछ एलिमेंट्स है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वैसे एलिमेंट छोड़ के तो जनरल कॉमन वैलेंसी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए देखो, अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर 13 है, अभी वैलेंसी बताओ, जल्दी बताओ वैलेंसी, 3। हाँ बरोबर है, बताओ 3, हाँ राइट 3, ओके वेरी गुड। 3 मान, 3 कैसा, अल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसको नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, अगर गैस नहीं मालूम तो एटॉमिक नंबर तो पता है ना, 13 को नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 10, डिफरेंस कितना है 3, सो दैट इज वैलेंस, राइट। अभी बताओ अभी फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंसी बताओ जल्दी, 1, राइट। अभी क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वैलेंसी बताओ, 1, राइट। नेक्स्ट कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, वैलेंसी बताओ, 2, राइट, खत्म हो गया। बस नियरेस्ट नंबर देखना है और कितना डिफरेंस है दोनों में, बस वही वैलेंस। अच्छा लगा ट्रिक? हाँ सर। हाँ और अजून एक, अजून और एक दो बताओ, आर्गन की वैलेंसी कितना है, एटॉमिक नंबर 18 है, बताओ, 0, 0, 0, राइट, वेरी गुड। देखो एक बात याद रखो, नोबल गैसेस जो होते हैं, दीज आर दीज एलिमेंट्स वैलेंसी ऑलवेज 0, वैलेंसी ऑलवेज 0, इनकी वैलेंसी हमेशा 0 होती है, समझ में आ रहा है? क्यों बोले तो आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फुलफिल है, ऑक्टेट रूट फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम फॉलो डुप्लेट, ओके, सो इस वजह से। अभी बताओ, अभी एक बताओ, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, वैलेंसी बताओ, 3, 3, राइट। क्या बोलो अभी, फ्रांशियम एलिमेंट है, फ्रांशियम FR, उसका एटॉमिक नंबर 87 है, वैलेंसी बताओ, 1, देखो अब फ्रांशियम एटॉमिक नंबर 87 है, फिर भी तुमको उसकी वैलेंसी मालूम हो गई 1, बस एक ट्रिक से मालूम होता है, बस एटॉमिक नंबर थोड़ा सा याद रखना, और जनरली एटॉमिक नंबर आपको लॉग टेबल में दिया जाता है, ओके, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, अभी नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप एंड पीरियड,
समझ में आ रहा है? तो अभी आपको क्या करना है, बैलेंस सी ग्रुप में चेंज होती है या नहीं होती, और पीरियड में चेंज होती है या नहीं होती, ये देखना है। ओके, तो देखेंगे बैलेंस इन ग्रुप, पहला ग्रुप में देखना है बैलेंस इन ग्रुप। चलो बताओ, किसी भी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप हो या फिर सेकंड ग्रुप हो या फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, किसी भी ग्रुप में, ग्रुप मीन्स, ग्रुप बोले तो क्या, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू, टॉप टू बॉटम देखना है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, राइट। देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 37, इसका एटॉमिक नंबर 55 और इसका एटॉमिक नंबर 87। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसकी वैलेंस ही बताओ, प्लीज टेल मी वैलेंस ही, प्लीज आपको एटॉमिक नंबर बता दिया ना, वैलेंस ही बताओ, 1 राइट, हाँ इसकी 1 1 हाँ, सोडियम ची 2 कसा राइट पर 1 1 हाँ 1 हाँ, पोटाशियम ची 1 1 राइट, रुबिडियम ची आरबी ची 1 1 राइट, आणि सीजीएम ची 1 1 फ्रांसियम ची 1 अस ना, अरे 86 बघा ना, हा 1 आता मला मी काउन एवढं क्लियर सांगायला माहिती, तुम्हाला तुमच्या डोळ्यासमोर समजाव की असं समजाव की ग्रुप मध्ये व्हॅलेन्सी काय चेंज व्हायला का, आता तुम्हीच सांगा। जेव्हा आपण ग्रुप मध्ये, जेव्हा ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखते हो तो वैलेंसी में कुछ चेंज दिखता है क्या आपको? नहीं सर। नहीं, तो फिर क्या लिखना, क्या लिखना, स्टेटमेंट क्या लिखते हो? देखो किसी भी ग्रुप में जाओ, तुम, मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, आप सेकंड ग्रुप लो या फिर 13th ग्रुप लो या फिर 14th लो या फिर 16, 17, 18, किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो वैलेंसी चेंज नहीं होता, राइट। सो क्या लिखूंगा यहां पे, इन ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स या फिर ऐसा लिख सकते हो डज नॉट चेंज। हाँ बोलो, क्यों चेंज नहीं होता बेटा, प्लीज टेल मी Why valency remains constant? Reason बताना please. अब आपको आपको दो सवाल पूछता है कोई भी examiner. Group में valency change होता है या नहीं होता? बताओ. Group में valency change होता है या नहीं होता? नहीं होता. Okay. अब दूसरा reason क्या है? क्यों नहीं होता बोल के पूछूंगा मैं. तो आप आंसर क्या दोगे? आंसर आना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आंसर आ जाता। देखो रीजन बता रहा हूं मैं, क्यों नहीं होता बोले तो आउटर मोस्ट सेल में, मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। मतलब देखो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस, मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, पोटाशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, रुबिडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसके भी 1 ही है, इसके भी 1 है। सो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब आप ये भी बताना पड़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या, किसको बोलना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पता है बोलो प्लीज, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसे बोलना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे यार ये समझो अभी, राइट अभी तीन चीजें क्लियर कर देंगे। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप एंड पीरियड, अगर आपको कोई पूछता है ग्रुप में वैलेंसी चेंज होता है या नहीं होता, बोलते इन ग्रुप वैलेंसी डज नॉट चेंज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वाई, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप, ये भी हो गया। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलना, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोल दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैलेंस इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यार कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, पूरा क्लियर हो रहा ना? हाँ सर। तो ये भी क्लियर हो गया, ग्रुप में क्या होता है समझ में आ गया। तीन चीजें याद रखो ग्रुप में, देखो नंबर दे रहा मैं, पहला इन ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हो गया पहला। दूसरा सवाल आएगा वाई, क्यू, क्यू कॉन्स्टेंट है वैलेंसी ग्रुप में, हेलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ ग्रुप में, ग्रुप में हर एक एलिमेंट्स में, मतलब ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब नेक्स्ट सवाल आएगा तीसरा, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। ओके क्लियर है ना अभी ये, राइट यही चीज करना है आपको, पीरियड में देखना है। देखो इन पीरियड, इन पीरियड, पीरियड में देखना है वैलेंसी, राइट। अब एक पीरियड सेलेक्ट कर लो आप, कौन सा भी एक पीरियड प्लीज। आपको पता है कितने पीरियड है आपको पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है, एक, सेवन है, सेवन पीरियड्स है। फर्स्ट देखो और एक बात क्लियर कर दूंगा, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है, हॉरिजॉन्टल रो ऐसे, हॉरिजॉन्टल रो 7 है देखो, और वर्टिकल कॉलम्स ऐसे 18 है। जो वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स है, जो हॉरिजॉन्टल रोस है वो पीरियड्स है, क्लियर है। तो फिर अभी आप क्या, हम क्या करेंगे, सेकंड पीरियड लेंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लेंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट, हाँ सेकंड पीरियड एलिमेंट किसको पता है तो बोलो, सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है उनके सिंबल्स बोलो, सेकंड रो, हाँ बोलो, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, नेक्स्ट बोरान है, नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट ऑक्सीजन है, नेक्स्ट सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, नेक्स्ट नाइट्रोजन है, बाद में ऑक्सीजन है, बाद में फ्लोरीन है, और बाद में नियॉन है,
ये एलिमेंट्स, ये हो गए एलिमेंट्स. नेक्स्ट इनके एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ प्लीज. अरे सीरियल से चलो ना, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राइट. नेक्स्ट क्या करना है अपन, वैलेंस. यहाँ पे एक काम करेंगे, आपको क्लियर समझ में आना बोले तो हर चीज आपकी क्लियर होना. देखो टाइम नहीं है. हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो नो प्रॉब्लम. हाँ 2, 1 अरे बताते जाओ ना भाई, इजी तो है. 2, 2, 2, 2 हाँ 2, 3 हाँ 2, 4 हाँ राइट. हाँ 2, 5, 5 2, 6 2, 7 2, 8 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मिनट. हाँ 1 राइट वेरी गुड. हाँ 2 राइट. हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 3 6 7 हाँ. अभी क्या करो, वैलेंसी बता. हाँ वैलेंसी बता. वन राइट वेरी गुड. हाँ वन वन कैसे, 2 ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ना. हाँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हाँ. अभी यहाँ क्या करना है, यहाँ से 3 हाँ एक मिनट यहाँ से चेंज होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये 13th वाला है, ये 14th वाला है, और 15th वाला, 16th वाला, 17th और 18th के लिए फार्मूला चेंज है ना वैलेंसी के लिए 8 माइनस. हाँ सर. हाँ तो अभी बोलो 3 हाँ राइट 3 हाँ 2, 2, 1 अभी ये जो दिख रहा है आपको नीचे में वैलेंसी, जो वैलेंसी दिख रही है ना आपको 1, 2, 3, 4 बाद में 3, 2, 1, 0 तो क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने इसमें इन ग्रुप? डिफरेंट है सर. नहीं नहीं डिफरेंट है ओके, बट कैसा ग्रेडिएशन कैसा है, मतलब कैसा वैलेंसी पहले क्या हो रहा, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रहा बेटा, इंक्रीज हो रहा, बाद में डिक्रीज होना शुरू हो रहा. स्टार्टिंग में वैलेंसी क्या होता है ग्रुप में, सॉरी पीरियड में इंक्रीज होता है अप टू 14 ग्रुप एलिमेंट तक वैलेंसली स्लोली क्या होता है इंक्रीज होता है. हाँ बाद में 14 के बाद क्या होता है, 14 ग्रुप एलिमेंट्स के बाद क्या होता है वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू होगा. क्लियर है अभी? ओके हाँ पहला पॉइंट क्लियर हो गया. रीजन बताते हो सर ऐसा क्यों हो रहा, क्या रीजन है, जो रीजन आपने पहले इसमें बताया था ना उसका थोड़ा सा अपोजिट है. सेकंड पहले इसमें क्या बताया, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन. हाँ राइट वेरी गुड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे यहाँ पे. हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, बराबर. क्लियर है बच्चों? हाँ सर. तो ये हो गया आपका वैलेंसी कंसेप्ट क्लियर. कल लास्ट क्लास और ये क्लास, ये दो क्लास अगर आप क्लियरली घर बैठ के देखते हो तो आपका वैलेंसी वाला फंडा क्लियर हो गया. और एक बात है, सिर्फ मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसी, आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी ये जो है ना ये वाले जो एलिमेंट्स है ये एस ब्लॉक है, ये बाकी के जो एलिमेंट्स है ये वाले ये बॉक्स वाले ये पी ब्लॉक है.
तो देखो एक बात याद रखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ऐसे कुछ एलिमेंट्स है कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी बोले तो अगर मैं एलिमेंट हूँ, मेरी वैलेंसी टू है तो टू ही है तो मैं एक ही वैलेंसी शो कर रहा हूँ। अगर मैं एक भी शो कर रहा हूँ और दो भी शो कर रहा हूँ बिकॉज आई एम शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो उसे क्या बोलना, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी ओके okay.